डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी आज के युग में सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है। ये कितनी बड़ी बीमारी है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुमेह की बीमारी को लेकर कई बार अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में तो डायबिटीज की महामारी की आशंका तक जाहिर कर चुके हैं। अक्सर लोगों को डायबिटीज की बीमारी होने के संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अगर समय से डायबिटीज के लक्षणों के बारे में पता चल जाए तो लोग अपना ध्यान रख सकते हैं और डायबिटीज से बच सकते हैं। अब एक अच्छी खबर है कि आपको टॉयलेट सीट यानी शौचालय पॉट से ही पता चल जाएगा कि कहीं आप डायबिटीज का शिकार तो नहीं हो रहे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने एक ऐसे स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया है जो समय पर ही डायबिटीज जैसी बीमारी के बारे में आपको आगाह कर देगा। ये शौचालय इंटरनेट से जुड़ा रहेगा। टॉयलेट में लगी सेंसर यूरिन यानी मूत्र की मदद से बीमारी का पता लगा सकेंगे। यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज की मात्रा मानक से अधिक मिलने पर सेंसर मोबाइल फोन पर अलर्ट भेज देगा। शौचालय की स्मार्ट तकनीक स्वच्छता का भी ख्याल रखेगी, साथ ही टॉयलेट सीट के तापमान, यूरिन के तापमान से मूत्र रोग संबंधी दिक्कतों का पता चल सकेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यह शौचालय आपको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में भी आगाह करेगा। इस स्मार्ट टॉयलेट को फिटलू नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अपनी तकनीक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध जापान में स्मार्ट शौचालय का चलन काफी प्रसिद्ध है। तकनीकी तौर पर बेहद समृद्ध इस देश में टॉयलेट में गर्म पानी, गर्म टॉयलेट सीट और एयर ड्रायर की भी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। इतना ही नहीं, जापान में कुछ कंपनियां ऐसी टॉयलेट सीट्स भी बना रही हैं जो बॉडी मास इंडेक्स और प्रोटीन शुगर का लेवल भी चेक करेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब फिटलू इस पर नजर रखेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं को यूरिन टेस्ट की मदद से जाना जा सकता है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैनिटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर डेविड कोपोला कहते हैं कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और इसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। सुलभ टीवी के लिए अयोध्या प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।